वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर टीएनए रेसलिंग उनका साल का पहला पेपर व्यू हार्ड टू किल पेपर व्यू करने वाली है। और गाइस, आज यहां पर टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर टीएनए रेसलिंग के ऊपर एक बड़ा डेब्यू होने वाला है। और गाइस, यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि टीएनए रेसलिंग के पेपर व्यू पर आज यहां पर जो डेब्यू होने वाला है वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी फॉर्मर सुपरस्टार का होने वाला है। क्योंकि गाइस, यहां पर टीएनए रेसलिंग ये एडवर्टाइज कर रही है कि आज यहां पर टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू पर जो रेसलर डेब्यू करेगा वो यहां पर एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार होने वाला है। और गाइस, अब यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि जो रेसलर टीएनए के हार्ड टू किल पर डेब्यू कर सकता है वो यहां पर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार और एनजेपीडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक एके मर्सिडीज मोन होने वाली है। क्योंकि गाइस, इस समय साशा बैंक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और वैसे तो साशा बैंक के AEW और WWE को ज्वाइन करने के रूमर चल रहे गए, बट गाइस, क्योंकि यहां पर टीएनए रेसलिंग आज उनका रिटर्न कर रही है तो गाइस, इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पॉसिबली आज टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर साशा बैंक टीएनए के अंदर उनका डेब्यू करे और वो यहां पर टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर टीएनए रेसलिंग की वुमेन चैंपियन ट्रिनिटी को चैलेंज करे। बट गाइस, यहां पर साशा बैंक के अलावा एक और जो बड़ा नाम पॉसिबली आज पेपर व्यू पर डेब्यू कर सकता है वो नाम यहां पर WWE की अनदर फॉर्मर फीमेल सुपरस्टार रोंडा राउजी होने वाली है। क्योंकि गाइस, यहां पर रोंडा राउजी भी इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट है और अगर यहां पर टीएनए रेसलिंग चाहे तो आज यहां पर रोंडा राउजी का डेब्यू आराम से करवा सकती है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, साशा बैंक और रोंडा राउजी में से कोई यहां पर डेब्यू करेगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।